अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम आपको विजिट कराएंगे इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। आई एम यू द ब्रांड और अ बैंड। हमारी एक ही क्लास थी और हमने डिसाइड किया क्लास एक ही है, जब टाइम मिल जाएगा तो यूनिट पे क्यों ना व्लॉग हो जाए और चलते हैं और आपको दिखाते यूनिक। उस कॉर्नर में हॉस्पिटल है यूनिका, और ये जो आप देख रहे हैं दरखाना एप्टिका, ये है फार्मेसी है, ठीक है, मेडिकल फार्मेसी है। ये इसका जो गेट है वो यूनिक अंदर से है, तो वो आपको अंदर चल के दिखाते हैं। एंट्री मारते हैं, एंटर होते हैं यूनिक में। ये आप जो मशीन देख रहे हैं ना, ये रिचार्ज वगैरह की है, और यहाँ पे ये स्टाफ की है जो है ना अटेंडेंस लगती है यहाँ से, और एंटर होते हैं फिर आपको बाकी सीन वगैरह दिखाते हैं। तो ये है वो दरखाना एप्टिका जो हमने आपको बाहर से दिखाया। अंदर डेंटिस्ट की अलग से शॉप है इसकी, और उसके अलावा फार्मेसी भी है। अगर ये मेन गेट है इंटर होती, राइट साइड पे कैंटीन, कैंटीन आपको अंदर दिखाते हैं। नहीं काटूंगा आज वीडियो में। ये गाइस कैंटीन आप देख सकते हैं, खाने पीने की जरूरत की बेसिक पेंसिल कापी हर चीज आपको उधर से मिल जाती है। कैंटीन के साथ ही बिल्कुल ये कैफेटेरिया, यहाँ पर भी आपको खाने पीने की चीज़ें, उसके अलावा डाइनिंग वगैरह है, तो चिल मॉल है। तो अभी 7th फ्लोर पर पहुंच गए हैं। 7th फ्लोर पे ऑलमोस्ट सारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। पहले यहाँ पर ये जो आप गैलरी देख रहे हैं ना, यहाँ पर पहले सारा हॉस्टल था, अभी वो ख़त्म कर दिया है हॉस्टल वगैरह, और ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन है। ये ऑफिस है हमारे मेन कॉन्ट्रैक्टर का यूनिक के, और ये देख सकते हैं ये कौन है, तो ये तो हम हैं। तो गाइस, तो हम भी आ रहे हैं इस वीडियो में। हाय हाय कर दो भाई, आप वीडियो में आ रहे हैं। गाइस अभी 7th फ्लोर से उतर रहे हैं और चलते हैं 6th फ्लोर की तरफ। हम आपको यूनिवर्सिटी का डिसेंडिंग ऑर्डर में विजिट कराएंगे ऊपर से नीचे। अभी 6th फ्लोर पे आ गए। इधर जूनियर की क्लासेस होती है, मतलब 5th सेम से पीछे पीछे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस होती है। तो ये है 6th फ्लोर। यहाँ पर जैसे कि बताया सब जूनियर्स की क्लासेस है। ये हॉल देख रहे हैं वो लास्ट तक कॉर्नर तक, ठीक है, सब जूनियर्स। और इसी तरह इस बैक साइड पे भी, यहाँ पर भी लाइट्स वगैरह ऑफ हैं तो इतना क्लियर नहीं हो पा रहा। ये देख सकते हैं ये लगे हुए हैं हीटर्स, पूरी यूनिवर्सिटी में लगे हैं। और नीचे ये वुडन फ्लोर है, पाँव की टक टक को इग्नोर कीजिएगा। फिफ्थ फ्लोर पे सारे हमारी प्रैक्टिस कर जितनी भी होती हैं सारी फिफ्थ फ्लोर पे होती हैं। और ये पीछे वेटिंग एरिया देख सकते हैं, क्लास वगैरह पे जब भी आप वेट करते हैं, जब स्टूडेंट वगैरह बैठ जाते हैं क्लास में, टीचर लेट हो जाए वैसे भी। फ्लोर के इस कॉर्नर पे ये बैक है वेटिंग एरिया डीन ऑफिस के लिए, ये इस तरफ है डीन ऑफिस। गाइस ये सामने सारी प्रैक्टिस क्लासेस वगैरह, और देखते हैं जो भी प्रैक्टिस क्लास ओपन हुई आपको प्रैक्टिस क्लास वगैरह दिखाते हैं। ये पेट्रियाटिक्स की प्रैक्टिस क्लास है, सारे प्रैक्टिस के डमीज वगैरह पड़ी हैं, बेबी। आगे एनाटॉमी की प्रैक्टिस क्लास, सारे बोन्स एंड मसल्स प्रैक्टिस के लिए, स्केलेटन वगैरह सारे पड़े हुए हैं। आज बाय लक ये क्लासेस खुली हुई हैं, वैसे ये लॉक होते हैं, टीचर्स लॉक कर दिए जाते हैं।
आप ग्राउंड में देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लास है और ये की क्लास है मेटोलॉजी की। वो जितनी प्रैक्टिस क्लासेस ओपन थी आपको दिखा दी हैं। आज हमारी कोई प्रैक्टिस क्लास नहीं, जस्ट एक लेक्चर क्लास थी। इधर तकरीबन 12 स्टूडेंट की ग्रुप बने हुए हैं, एक क्लास में 12 स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। ये वो पोर्शन जहाँ से हम ऊपर आए हैं, इस तरफ हम आपको लेके गए हैं। ये स्टार्ट में वॉशरूम है, इस तरफ लेके गए हैं सारी क्लासेस वगैरह, ठीक है। और इस तरफ अगर आएँ तो इस तरफ भी सेम वही सीन है जैसा आपको उधर दिखाया। तो दैट्स इट, चलते हैं अब थर्ड फ्लोर पे, क्योंकि जो फोर्थ फ्लोर है वो मिसिंग है, फोर्थ फ्लोर नहीं है, ठीक है। फोर्थ फ्लोर पे कोई आइडिया नहीं क्या है क्या नहीं, अभी गए नहीं। तो अभी थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं, यहाँ तकरीबन बेसिकली सारी चीज़ें होती है ना लेक्चर क्लास में। थर्ड फ्लोर बैक रोड में कैफे आज बंद है, इतनी घंटी चलते हैं लेक्चर क्लासेस की तरफ और आपको लेक्चर क्लासेस दिखाते हैं। अभी हमारी लेक्चर क्लास भी है, उसको भी आपको दिखाते हैं। चलते हैं लेक्चर क्लास में, आज एक ही क्लास थी, क्लास लेते हैं और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड फ्लोर पे जो भी एंटर होता है ना, सबसे पहले इस मिरर को हाई बोलता है, फिर ही आगे जाता है और कैंटीन आ जाओ, क्योंकि टाइम काफ़ी लेट हो चुका है और आज क्लासेस भी नहीं थी। जब चाइना से आ रहे थे तो ये पहले आ गया मुझे, मैं बाद में आ रहा। जब ये यहाँ पे आया मुझे कहता है यार बाबे ना, मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कहता है ये IMU नहीं IMF है। मैंने कहा IMF, कहता है हाँ इंटरनेशनल मेडिकल फैक्ट्री। उस टाइम इन्होंने ये बिल्डिंग ली थी किसी फैक्ट्री से, तो फिर इन्होंने डेवलप किया आस्ता आस्ता। अभी आपने सीन देख लिए हैं, मतलब काफ़ी अच्छी तरह डेवलप किया। ये बैक पे देख रहे हैं गेट बन रहे, बहुत बड़े दो गेट बन रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के बना रहे हैं। अभी चलते हैं फिजिकल कल्चर की क्लासेज होती हैं उस एरिया की तरफ, वहाँ फुटबॉल का ग्राउंड है और वॉलीबॉल का ग्राउंड है और जो इंडोर गेम्स होती हैं सारी बेसमेंट में होती हैं। बेसमेंट लॉक था वो भी आपको दिखाना था, लेकिन चलिए किसी अलग व्लॉग में दिखा देंगे आपको। अभी जा रहे हैं फिजिकल कल्चर वाली साइड आउटडोर गेम्स दिखाने के लिए। हम हैं फुटबॉल ग्राउंड में और इस ग्राउंड के अंदर ही लगाते हैं बैडमिंटन का और वॉलीबॉल का। बैडमिंटन तो खैर इंडोर में खेली जाती है, लेकिन ये है कि कभी कभार यहाँ पे भी हवा वगैरह ना हो तो लगा देते हैं। उसके अलावा वॉलीबॉल यहाँ पे चलती है और बैक पे आप देख रहे होंगे चलते हैं उस तरफ, लेकिन क्या होता है यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे है बास्केटबॉल वगैरह। चलो तो ये है ऊपर वाला ग्राउंड, यहाँ पे फिजिकल क्लासेस होती थी हमारी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। पीछे बास्केटबॉल का ग्राउंड है। ये यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, एट अ टाइम दो एम्बुलेंस अवेलेबल होती हैं। ये आप लोगों देख सकते हैं, ये हमारी यूनिक का लोगो है, ठीक है। अभी एक मे बी किसी इमरजेंसी की वजह से एम्बुलेंस नहीं है कहीं भी गई हो, और ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं ना ये वही है मशरूत का, जिसमें हम आपको बताते हैं हम सफ़र करते हैं, उन्हीं की एम्बुलेंस है। जैसे पाकिस्तान में कैरी डब्बा जो है वही एम्बुलेंस भी होती है। तो भाई कौन से सेमेस्टर के आप? मेरा
तो कैसा लगा आपको यूनि में, क्या रिव्यू देंगे आप यूनि के बारे में? जी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है हमारी, बड़ा अच्छी स्टडी हो रही है, बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं अभी यहाँ पे, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा जब आप आए थे स्टार्ट में आपको कैसा लगा था यहाँ? स्टार्ट में तो बड़े मसले थे यहाँ पे, लेकिन अब बहुत तब्दीली आ गई, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, मतलब ठीक है भाई, बाकी इस काबिल होगी यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, थैंक यू। क्लास भी काफ़ी लेट हो गई है और ब्लॉग भी काफ़ी लेंथी हो गया, तो हमने अब यह डिसाइड किया है कि यूनि का जो हॉस्पिटल है वो हम आपको किसी अलग ब्लॉग में या फिर उसके लिए अलग सेपरेट सा ब्लॉग या किसी भी ब्लॉग में एडजस्ट करके आपको दिखाएंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।